पोस्ट ऑफिस बचत खाता, एक बैंक के सेविंग अकाउंट और पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में क्या अंतर है, जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें जिससे आप खुद डिसाइड कर सकें कि यह अकाउंट आपको खुलवाना चाहिए या नहीं खुलवाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टल दोस्त। तो शुरू करते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी के इस वीडियो को। पोस्ट ऑफिस के अंदर यदि आप बचत खाता खुलवाना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 500 रुपये से खुलवाना होगा और साथ ही उसके अंदर मिनिमम आपको 500 रुपये बैलेंस भी मेंटेन करना होगा। मैक्सिमम आप कितना ही पैसा इस पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में जमा करवा सकते हैं। इस अकाउंट को आप सिंगल भी खुलवा सकते हैं और ज्वाइंट भी खुलवा सकते हैं। कुल मिलाकर सभी लोग इस पोस्ट ऑफिस बचत खाते के अंदर खाता खुलवा सकते हैं। अब जान लेते हैं कि वे कौन सी 8 सुविधाएं हैं जो आपको पोस्ट ऑफिस के बचत खाते पर मिलेगी। उसमें पहला है एटीएम फैसिलिटी। बैंकों की तरह पोस्ट ऑफिस के बचत खाते पर भी आपको एटीएम की फैसिलिटी मिलती है जिसके अंदर आप प्रतिदिन 25,000 रुपये तक विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरा, आपको बैंकों की तरह यहाँ पर भी चेकबुक मिलती है। उस चेकबुक को आप पोस्ट ऑफिस के अंदर भी काम में ले सकते हैं और बैंक के अंदर भी उसको डिपॉजिट कर सकते हैं क्योंकि ये चेकबुक भी CTS चेकबुक होती है। साथ ही आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग यानी इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी मिलती है और इंडिया पोस्ट की ऐप से आप मोबाइल बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं। आधार कार्ड की सीडिंग करवाकर आप गवर्नमेंट से मिलने वाली DBT को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी पोस्ट ऑफिस के बचत खाते से आप अटल पेंशन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और APY भी यहाँ पर ले सकते हैं और हर महीने पैसा आपका बचत खाते से काट लिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले पोस्टल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा POSB अकाउंट पर आप PM सुरक्षा बीमा योजना भी ले सकते हैं जिसके तहत साल के 12 रुपये आपके खाते से काटे जाते हैं और आपको 2,00,000 का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है। आपकी आयु यदि 50 साल से कम है तो आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी इस अकाउंट पर ले सकते हैं जिसके अंदर साल का 330 रुपये काटा जाता है और 2,00,000 का इंश्योरेंस कवर आपको सामान्य मौत में भी मिलता है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के बचत खाते पर आपको 6 बेनिफिट्स और मिल जाते हैं जिसमें पहला है 4% इंटरेस्ट रेट। यदि दूसरे बैंकों की इंटरेस्ट रेट की तुलना करें तो यहाँ पर अभी भी आपको 4% यानी कि दूसरे बैंकों से ज़्यादा बचत खाते पर इंटरेस्ट रेट मिल रही है और यह ब्याज आपके खाते में साल में एक बार यानी 31 मार्च को जमा किया जाता है। साथ ही नॉमिनेशन की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिलती है और नॉमिनेशन करवाना भी जरूरी होता है और पहली बार जब आप नॉमिनेशन करवाते हैं तो उसका कोई चार्ज यहाँ पर नहीं देना होता है। माइनर अकाउंट यदि आप खुलवाना चाहते हैं यानी कि आप अपने बच्चे के नाम से अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो खुलवा सकते हैं और यदि आपका बच्चा 10 साल से बड़ा है तो वह खुद भी इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। एक और सबसे बड़ी सुविधा है कि आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर ट्रांजेक्शन करने की सुविधा मिलती है। आप पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में प्रतिदिन का 50,000 का लेन देन भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस में SO या HO में कर सकते हैं और इसका भी कोई अलग से चार्ज आपको नहीं देना है। यदि आपका अकाउंट साइलेंट हो जाता है तो आप उस अकाउंट को वापस रेगुलर में कन्वर्ट करवा सकते हैं, उसको रिवाइवल करवाना भी बिल्कुल फ्री है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा यह है कि पोस्ट ऑफिस के बचत खाते को आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं, चाहे वो आपके गाँव का छोटा सा ब्रांच ऑफिस भी क्यों नहीं हो। यहाँ पर आपको अकाउंट खुलने के बाद में पासबुक दी जाती है। पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जान लेनी चाहिए जिसमें पहला है POSB के अंदर ब्याज की कैलकुलेशन महीने की 10 तारीख से लेकर अंतिम तारीख के बीच में जो भी मिनिमम बैलेंस होता है उसके ऊपर दिया जाता है। इसको IBB फॉर्मूला बोलते हैं। इसका एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर है और उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। POSB अकाउंट को सिंगल अकाउंट के साथ में जॉइंट ए और जॉइंट बी के अंदर भी खुलवा सकते हैं। जॉइंट ए में दोनों ही अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर जरूरी होते हैं और जॉइंट बी के अंदर दोनों में से कोई भी व्यक्ति सिग्नेचर करके अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। यदि आप पोस्ट ऑफिस में सिंगल अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो पूरे भारत में केवल एक ही सिंगल अकाउंट यहाँ पर अलाउ है। एक से ज़्यादा सिंगल अकाउंट आप अपने नाम से नहीं खुलवा सकते हैं। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप अपने खाते में लगातार 3 वित्त वर्षों में किसी प्रकार का जमा या विड्रॉल नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट साइलेंट हो जाता है। उसके बाद में आपको KYC देकर वापस उस अकाउंट को रिवाइवल करवाना होता है, तभी आप उस अकाउंट के अंदर लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके खाते में 500 रुपये से कम बैलेंस रह जाता है तो आपके खाते से अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज काट लिया जाएगा और पूरा बैलेंस 0 होने पर आपका खाता बंद कर दिया जाएगा।
पोस्ट ऑफिस के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को कैसे फिल करते हैं उसके वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यदि आपने डिसाइड कर लिया है कि पोस्ट ऑफिस में आपको एक खाता खुलवाना है तो हम आपको खाता खुलवाने की प्रोसेस भी बता देते हैं। खाता खुलवाने के लिए आपको दो फोटोग्राफ्स की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपकी दूसरे किसी खाते में केवाईसी नहीं हो रखी है तो केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देने होंगे, जिसके अंदर आपको एक आईडी प्रूफ जिसमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या वोटर आईडी कुछ भी हो सकता है। एड्रेस प्रूफ के अंदर आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट या इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। इसके अलावा नॉमिनी का नाम और नॉमिनी का क्या रिलेशन है वह डिटेल भी आपको यहाँ इस फॉर्म में भरनी होगी। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को फिल करके पोस्ट ऑफिस में जमा करवाने के बाद में आधे घंटे से एक घंटे में पासबुक मिल जाएगी और उस पासबुक से आप कहीं भी लेन देन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगते हैं उनकी एक अपडेटेड लिस्ट का वीडियो आने वाला है, तो मिलते हैं उस वीडियो में। नमस्कार।